दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिजालुल गैब क्या है और रिजालुल गैब क्या काम करते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मेरे प्यारे नाज़रीन, रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। मैं उमर फ़ारूक अजहरी आज आपकी खिदमत में बहुत ही कीमती और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। अगर आप एक आमिल है या फिर अमलियात के मैदान में कदम रखे हैं तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल जल्द से जल्द ग्रोथ करे तो अभी इसी वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, बात करते हैं कि रिजालुल गैब क्या है। बहुत सारे ऐसे आमिलीन हैं जो अमलियात तो बेशुमार पढ़ते हैं लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि रिजालुल गैब क्या होता है और रिजालुल गैब का ख्याल न रखने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, रिजालुल गैब मर्दान खुदा को कहा जाता है, यानी ये पोशीदा मखलूक है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें पैदा फरमाया है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस निज़ाम को संभालने के लिए फरिश्ते को पैदा फरमाया है, बारिश का फरिश्ता अलग है, हवा को करने के लिए इसका फरिश्ता अलग है, इसी तरीके से रूह को कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है। इस ज़मीन आसमान में बेशुमार ऐसे फरिश्ते हैं, अल्लाह ने तमाम फरिश्ते को कोई ना कोई मकसद के लिए पैदा फरमाया है। ठीक इसी तरह रिजालुल गैब को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। ये रूहानी आमाल पर हुक्मरा है। जिस तरीके से रूह कब्ज़ करने का जो फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, इनकी ड्यूटी है कि जब अल्लाह का हुक्म हो तो वो तुरंत किसी के रूह कब्ज़ कर सकती है, ऐसे ही रिज़क का फरिश्ता है तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से वो रिज़क बंदे तक पहुँचाता है। मालिक तो अल्लाह ही है लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते को बनाया है। इसी तरह अल्लाह ने रिजालुल गैब को पैदा फरमाया है कि आमाल रूहानी में इनका बहुत बड़ा दखल है, यानी जब कोई आमिल कोई अमल या फिर वजीफ़ा पढ़ता है या कोई नक्श लिखते हैं या फिर कोई चिल्ला कशी करते हैं या फिर आप मुराकबा करते हैं, ऐसी हालत में ये मर्दान गैब जो रिजालुल गैब है इनका बहुत बड़ा दखल होता है। अगर आप अमल पढ़ते वक्त ये ख्याल नहीं रखते हैं कि आज रिजालुल गैब की सिमत क्या है तो ऐसे में आपके अमल में ख़राबी हो सकती है। यही नहीं, देखा गया है कि कुछ लोग जो रिजालुल गैब का ख्याल नहीं रखते हैं, नाकामी का सामना तो करते ही हैं, साथ में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आमिल से रजात भी हो सकती है। आपने तो बेशुमार सुने होंगे कि इस अमल से रजात हो जाती है, अगर कोई जिन्नात का अमल पढ़ता है तो उसमें रजात होने का डर है, या कोई ऐसा सूरह मुज़म्मिल या फिर सूरह जिन या कोई ऐसा अमल जो जलाली और जमाली हो, अगर आप तर्क हैवानात नहीं करते हैं, या बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप ख्याल नहीं रखते हैं तो आपसे रजात हो सकती है। ऐसे में आपको देखना यह है कि जिस दिन भी आप अमल शुरू कर रहे हैं उस दिन आप नक्शे में देखें रिजालुल गैब की सिमत क्या है। तो जब आपको पता हो जाए कि रिजालुल गैब की सिमत इधर है तो उसी हिसाब से आपको अमल शुरू करना है, यानी आप जो है रिजालुल गैब को या तो पीठ की तरफ रख सकते हैं या फिर उल्टे हाथ को, सामना नहीं होना चाहिए ना इस सीधे हाथ को। अगर ऐसा होता है तो अमल में सिर्फ नाकामी नहीं बल्कि इस अमल में रजात भी हो सकती है। तो दोस्तों, करना यह है कि जब आपको पता हो गया कि रिजालुल गैब का नक्शा इधर है तो ऐसे में सबसे पहले आप बाअदब खड़े हो जाए। मसलन, मैं क़िबला की तरफ अमल पढ़ रहा हूँ, उस दिन रिजालुल गैब पूरब की जानिब है यानी मशरिक़ की जानिब है, तो मशरिक़ की जानिब सबसे पहले बाअदब इस तरीके से खड़े होकर जो रिजालुल गैब का सलाम है वो सलाम पढ़ना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिजालुल गैब का सलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या रिजालुल गैबी। अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल अरवाहुल मुक़द्दसतु। अईनूनी बेकुव्वतिन उनज़ुरूनी बेनज़रती उजीबूनी बेदावती। या नुकबाई या नुजबाई या रुकबाई या बुदलाई या औतादल अर्दी या औतादु अरबातु।
या इमामानी या कुतुबु या फ़र्दु या अमनाई अगीसूनी बेगौसती वनज़रूनी बेनज़रती वरहमूनी वहस्सलू मुरादी व मकसूदी वकूमु अला क़ज़ाई हव्वल हय्ये عند نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سلمكم الله تعالى في الدنيا والآخرة اللهم صل على الخضر। दोस्तों आप स्क्रीन पे ये रिजालुल गैब का सलाम खूब अच्छे से याद कर लें, अगर आपको याद ना हो तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद यह सलाम सिर्फ एक बार पढ़ना है, फिर दरूद शरीफ पढ़कर आप रिजालुल गैब से मुखातिब हों कि या रिजालुल गैब, मैं जो ये अमल पढ़ रहा हूँ इस अमल में मुझे कामयाबी के लिए मदद करें। दोस्तों इस तरीके से जब आप अमल शुरू करेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हैं कि रिजालुल गैब क्या है, रिजालुल गैब की दुआ क्या है। अब आपको दूसरे पार्ट में मैं समझाऊँगा कि रिजालुल गैब के नक्शा किस तरीके से समझते हैं, आप कैसे पता लगाएंगे कि आज रिजालुल गैब किस सिमत को है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है। हमारे चैनल को अमलियात का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए अभी इसी वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त, अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।